अब उद्यमी योजना का पैसा आपका 10 लाख नहीं मिलेगा, परियोजना के आधार पर मिलेगा। अगर हो सकता है कि आपका बेकरी उत्पाद पाव रोटी बिस्कुट पर होगा तो 9 लाख रुपया दिया जाएगा। आटा सत्तू एवं बेसन उत्पादन का बिजनेस आप कर रहे हैं तो 8 लाख दिया जाएगा, आपको 10 लाख नहीं दिया जाएगा। पशु आहार उत्पादन है तो 10 लाख आपको दिया जाएगा। मुर्गी दाना उत्पादन पोल्ट्री फील्ड का है तो आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तेल मिल का है तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। मसाला उत्पादन का है तो 8 लाख रुपया दिया जाएगा। नमकीन उत्पादन का अगर बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो आपको 6 लाख रुपया दिया जाएगा, न कि आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब सरकार इसमें कुछ संशोधन किया है, तो क्या संशोधन किया है, इस पर आपकी रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिनांक 30 मई 2022 को निदेशक तकनीकी विकास उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत परियोजनाओं का लागत अनुशंसा समिति की बैठक की कार्यवाही की जाती है। उपस्थिति में निदेशक तकनीकी विकास उद्योग विभाग पटना बिहार पटना उद्योग बिहार उद्योग संघ पटना के प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना के प्रतिनिधि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय पाटली पुत्रा के प्रतिनिधि, ये लोग इसमें उपस्थित होते हैं। और क्या निर्णय लिया जाता है, सर्वप्रथम निदेशक तकनीकी विकास द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया जाता है, तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। दिनांक 6/5/2022 को प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना के अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक में कुल कितना परियोजना है, कुल स्वीकृत 102 परियोजनाओं का आवश्यकता आधारित राशि के निर्धारण हेतु परियोजना लागत अनुशंसा समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। परियोजना लागत अनुशंसा समिति द्वारा कुल स्वीकृत 102 परियोजनाओं का परियोजनावार राशि निम्न प्रकार निर्धारित की गई है। इसमें सभी जितने भी 102 परियोजना हैं सभी को अब 10 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा, तो कितना कितना दिया जाएगा वो उसी परिस पर बैठक कराया गया। बैठक में निर्णय लिया जाता है उत्पादक जो उनका नाम यहाँ पे दिया गया है फूड प्रोसेसिंग में बेकरी उत्पाद पाव रोटी बिस्कुट रस्क इत्यादि बेकरी प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपया नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमाउंट दिया गया है लाख में, यानी 9 लाख की राशि आपको दिया जाएगा। आटा सत्तू बेसन का अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको 8 लाख रुपया दिया जाएगा। पशु आहार उत्पादन तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। मुर्गी दाना 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तेल मिल तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। मसाला उत्पादन तो 8 लाख रुपया दिया जाएगा। नमकीन उत्पादन तो 6 लाख रुपया दिया जाएगा। आखिर क्यों किया गया, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। सब जितने भी उद्यमी लोग हैं हमसे यही सवाल पूछ रहा जा रहा है कि सर इनको तो मान्यता है कि जब 2018 जून से 2021 से जब फॉर्म भराया गया तो नोटिफिकेशन भी तो नहीं दिया है, और आज तक ले ये जो हमारे पास जो अभी नोटिस आया है ये भी नोटिस जो उद्यमी योजना की ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर नहीं डाला गया है। आखिर क्यों नहीं डाला गया है। अब जो DPR बनेगा तो 10 लाख जो DPR बन रहा है उसके जगह पर आपका 6 लाख का बनेगा। जब आइसक्रीम उत्पादन का बिजनेस करेंगे तो आपको 8 लाख का दिया जाएगा। नमकीन उत्पादन तो 6 लाख का आपको DPR बनाना है, आपको जितना का DPR बनेगा उतना ही का पैसा दिया जाएगा, और 10 लाख का DPR तो आपको बनाना ही नहीं है। हमको बहुत कमेंट आ रहा था, सब यही पूछ रहा था कि सर हमारे यहाँ 10 लाख का DPR नहीं बनाया जाता है, 6 लाख का बनाया जाता है तो 8 लाख का बनाया जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब जो हमारे पास नोटिस आया है इस नोटिस के माध्यम से हमको ये पता चल रहा है कि
कि जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी को 10 लाख तो किसी को 6 लाख तक, किसी को 9 लाख, किसी को 7 लाख रुपया। 7 लाख किसको है भाई? तो नूडल्स वाला के यहाँ देखिए, नूडल्स उत्पादन इसका 7 लाख की राशि है, यानी इनको 10 लाख नहीं दिया जाएगा। 3 लाख आप कहाँ से लाएगा भाई? अब बताइए ना, नूडल्स से उत्पादन है तो बिजनेस में तो मैं मशीन नहीं करी है, ये सब का आपको 7 लाख से हो जाएगा? कितना अच्छा, अगर बिजनेस अच्छा खासा करना चाहिएगा तो आपको 10 लाख से होगा भाई। कुछ तो घर से फेंटना पड़ेगा, अब ये अभी भी घर से फेंटना पड़ेगा। अब किसी को मान लेते हैं कि 10 लाख है, किसी को 6 लाख है, किसी को 7 लाख है, ऐसा क्यों किया गया है? अब इसमें आप इसका मैं पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इतना सभी को बारीकी से पढ़ना, हम उतना जो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर जो 102 में है, 101 है, तो यहाँ पर देखिए ना, तो लाह चोरी निर्माण है यहाँ पर, तो लाह चोरी निर्माण अगर चोरी निर्माण का निर्माण कर लीजिएगा तो 6 लाख का राशि आपको दिया जाएगा। यहाँ पर पत्थर के मूर्ति निर्माण का बिजनेस आप करना चाहेंगे तो आपको 9 लाख की राशि दिया जाएगा, 10 लाख नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बिहार उद्योग संघ पटना का ये सब हस्ताक्षर है, ये सब जो भी लोग हैं वो हस्ताक्षर किया था, और ये नोटिस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कब का है। ये जो विज्ञप्ति जो जारी किया गया था, ज्ञापन संख्या है 1214 31/5/2022 का है, और आज 1 जून है, समझ रहे हैं? तो ये तुरंत हमारे पास यहाँ पे आया। इसके बाद देख सकते हैं, प्रलिपि में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों, प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव निदेशक तकनीकी विकास बिहार पटना के निजी सहायक को सूचना, सभी महाप्रबंधक को जिला उद्योग केंद्र ये सबको इनको ये दिया गया RCT को, कि जितने भी RCT है सभी को, कि बिहार सभी प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि परियोजना लागत अनुशंसा समिति द्वारा उपर्युक्त परियोजना हेतु दी गई राशि की अनुशंसा के आलोक में अभ्यर्थियों का DPR तैयार कर यथाशीघ्र विभाग को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, इसको पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित कराया जाए। तो ये इसीलिए यहाँ पर जो ये तो ऊपर से आदेश है, अब ये सब कह रहे हैं कि जो GM हमारे हैं वो लोग कह, नहीं GM का इसमें कोई गलती नहीं है। GM भाई तो आपका जो ट्रेनिंग देता है तो वो चाहता है कि जितना हो जाएगा उतना तो ठीक है भाई क्या। अब यहाँ पर जो ये सब देख रहे हैं, जो यहाँ पर है परियोजना है, परियोजना के अनुसार यहाँ पे राशि अब दिया जाएगा, उसी के अनुसार आपको DPR बनाने के देना पड़ेगा, जिस में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसी में आपको करना पड़ेगा। अब बताइए, 30/5/2022 को बैठक में निर्णय लिया जाता है कि कुल स्वीकृति 102 परियोजना के आवश्यकता आधारित राशि के लिए निर्देश दिया जाता है, कि जो 10 लाख पहले देते थे ना, अब किसी को 6 लाख देना है तो किसी को 7 लाख देना है तो किसी को 8 लाख देना है, किसी को 9 लाख देना है। इससे पहले साल 2018 से योजना चल रही है, 18, 19, 20 हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन सभी को जितना होता था ना, भले ही 3 किस्त में दिया जाता था लेकिन एक परियोजना के लिए जो नूडल्स का अब जो दिया जाता है उससे पहले तो 10 लाख दिया जाता था, अब ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये लोग जो मन में हो रहा है, क्योंकि कहने वाला तो कोई है नहीं। अब उद्यमी लोग को, हमको तो नहीं लग रहा है कि उद्यमी को संतुष्टि होगा इससे, नाराज़गी लाजमी है। ये लोग का जो मन में करता है ना वही ये लोग करते हैं। हाँ, ये बातें जो है रजिस्ट्रेशन के समय नोटिस देना चाहिए था कि आपको 10 लाख नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो नोटिस अभी निकाला है ना, ये नोटिस 18 जून 2021 को ही निकालना चाहिए था। अब आपसे अपील करना चाह रहा हूँ, सुनिए, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप ही से मैं कह रहा हूँ, कमेंट में लिखिए, बताइए आपको क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए, आपके अनुसार ही मैं काम करूँगा। ये युवा पहले भी अपना दमखम शक्ति दिखा चुका है रेलवे NTPC ग्रुप डी में, फिर भी ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, तो जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लगा रहेगा।